हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों, ये है अपनी फिजिक्स की लास्ट क्लास। जी हाँ, आज हम फिजिक्स को ख़त्म करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज इस मिसलेनियस क्लास में ख़त्म करेंगे और ये अपना पार्ट नंबर 41 है। और नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो अपनी आएगी केमिस्ट्री की। बिल्कुल जीरो लेवल से केमिस्ट्री हम शुरू करेंगे। और आज हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अपने बचे हुए हैं और जो अपनी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपके एनसीआरटी 9th और 10th ही तो नहीं है, 11th और 12th के कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन गाइज यहां से प्रश्न बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इससे क्या नुकसान होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक है अगर हम पढ़ाने लगे तो, इसके ऊपर तो पूरी किताब बनी पड़ी है। अगर मैं बताऊं तो बीएससी फाइनल राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक स्पेशल किताब है, स्पेशल बुक है न्यूक्लियर फिजिक्स की, सोचो। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक अलग से बुक आती है, ठीक है, एक बहुत बड़ी बुक है, बीएससी में आती है ये, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, जो अपने एग्जाम के हिसाब से होगा। और सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी है जो आपकी ऊर्जा है उसके स्रोत क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर एनर्जी, तापीय ऊर्जा, वो आपके तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरण स्रोत, तो उनके बारे में यहां पर देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, क्लास है बड़ी जबरदस्त होने वाली है। और यहां पर गाइस आज हम इस जो आपका फिजिक्स है उसको यहां पर नस्ते नाबूद कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के ऊपर। अब नाम से आप सोच रहे होंगे कि ग्रीन हाउस ये कोई हरा घर होगा, लेकिन दोस्तों कोई हरा घर नहीं होता। देखिए हमारा जो ग्रह है ना उसको एक प्रकार से आप कह सकते हो कि इसे ना हरा ग्रह कहा जाता है, मतलब यहाँ पर हरियाली है ना, हरा ग्रह बोल सकते हैं। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब क्या है कि पृथ्वी के तापमान को बढ़ाना। अब देखिए यहाँ पर क्या होते हैं कि बहुत ऐसी जगह होती है, स्पेशली कृषि वाले क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पर क्या करते हैं एक स्पेशली एक कमरा सा बना लेते हैं, कमरा टाइप का। तो वहाँ पर क्या होते हैं कि जो प्रकाश किरणें आती हैं, तो जो प्रकाश किरणें उसके अंदर एंटर कर देती है ना, तो वहां पर क्या होते हैं जो आपके ग्रीन हाउस के अंदर जो गैस होती हैं, देखिए कौन कौन सी गैस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी होती हैं। तो ये क्या हो जाती है उस घर के अंदर जब जाती है, उस क्षेत्र के अंदर जब जाती है, तो क्या होती है ये सारी की सारी अवशोषित हो जाती है। यानी कि अगर मैं इनडायरेक्टली आपसे कहूं कि भाई ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो एक ऐसा क्षेत्र ना, एक ऐसा कमरा जहां पर जब आपकी सूर्य के प्रकाश किरणें आती हैं तो वहां से जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं तो वहां पर वे अवशोषित हो जाती हैं। मतलब मान लीजिए मेरे पास रूम है, यहां पर सूर्य किरणें आ रही हैं, अब वो सिर्फ आ रही हैं, अब वो वापस नहीं जाएंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है इस रूम का जो तापमान है वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी कि सूर्य की किरणों को अवशोषित करके किसी भी स्थान का तापमान बढ़ाना, यह आपका कहलाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहां पर पूछा जाता है कि भाई कौन सी ग्रीन गैस होती है, ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मेथेन, CH4, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प यानी कि और आपका नाइट्रस ऑक्साइड, यह आपकी क्या होती है ध्यान रखना है, या आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती है। इससे क्या नुकसान हो रहे हैं ग्रीन हाउस से, तो देखिए ग्रीन हाउस जो आपकी गैसें हैं या ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इससे आपका सबसे बड़ा नुकसान है कि इससे वैश्विक तापमान है वो यहां पर बढ़ रहा है, मतलब विश्व का तापमान बढ़ रहा है, यानी कि आपका जो पृथ्वी है उसका तापमान लगातार बढ़ रहा है। अब सीधी सी बात है अगर यहां पर वैश्विक ताप बढ़ेगा है ना, तो सीधी सी बात है पृथ्वी पर बताइए जीवन जो है वो यहां पर उस खतरा पैदा होगा या नहीं होगा। जब तापमान पृथ्वी का तापमान यहां पर बढ़ेगा तो उससे पृथ्वी पर जो रहने वाले जीव जंतु हैं उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, तो यह आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट की सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा, ग्रीन हाउस इफेक्ट से जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है जो आपके पर्वत है ना, जो माउंटेन है उनके ऊपर जो आपकी बर्फ है जो आपकी रखी हुई है वो क्या करेगी, पिघलेगी और पिघल कर नदियों में, समुद्रों में, ओशियन में जाएगी, तो होगा क्या, वाटर लेवल बढ़ेगा। और सीधी सी बात अगर वाटर लेवल बढ़ेगा तो उस जो आपका महासागर है, नदी है, उसके आसपास रहने वाले जो गाँव है, वहां जो रहने वाले शहर है, बताइए उनके जीवन पर संकट आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो सीधी सी बात है इनसे ग्लेशियर है वो यहाँ पर पिघलेंगे और यहाँ पर लोगों का जीवन है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत बड़ा इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है। तो ये था आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बात हो रही है ग्रीन हाउस की, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं एसी की, यानी कि एयर कंडीशनर की। एसी जो होता है, एसी ध्यान रखना, एयर कंडीशनर क्या होता है आपने देखा होगा आजकल, जो अगर लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है एसी।
अगर आप किसी होटल में जाते हो तो वहां पर होता है एसी रूम, नॉन एसी रूम। अगर आप ट्रेन में सफर करते हो तो वहां भी आजकल एसी ट्रेन चलाई जाती है, उनका जो किराया होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर एसी क्या है, एसी का मतलब होता है कि एयर कंडीशनिंग मतलब कि वातानुकूलित क्षेत्र। अब इसका मतलब क्या है कि भाई आप जो है, जो प्रकृति ने आपको जैसा मौसम दे रखा है उसको आप बदलना चाहते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए बाहर धूप ज्यादा हो रही है, आप कहेंगे सर धूप ज्यादा हो रही है, हमें तो एक ऐसा रूम दीजिए जहां पर हम अपने कंफर्ट के हिसाब से रह सकें। तो अपने अनुसार जो मौसम है उसको चेंज करना ही कहलाता है एयर कंडीशनिंग। यानी कि आप ये रूम है इसका टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। बढ़ाने के लिए आप जानते हैं आपकी एसी दो प्रकार की होती है, जो आपके तापमान बढ़ा भी देती है, घटा भी देती है। तो गर्मियों में हम मैक्सिमम क्या करते हैं, एसी का इस्तेमाल करते हैं, और सर्दियों में रूम हीटर वगैरह है इनका इस्तेमाल करते हैं। जो आपके आप अपने शरीर के अनुसार, अपने शरीर के कंफर्ट के अनुसार क्या करते हैं, आपका जो रूम है उसका टेम्परेचर बढ़ा या घटा सकते हैं। नॉर्मली जो आपका जो एसी होता है वो आपके 23 डिग्री से और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ पर काम करता है। मतलब नॉर्मल जो जीवन यापन है, मतलब हमारा जो शरीर रहता है ना, वो जो कंफर्ट क्षेत्र जो होता है, कंफर्ट क्षेत्र जो होता है वो 23 डिग्री से 25 डिग्री इतना होना चाहिए, तब हमारे शरीर है वो यहाँ पर क्या होता है, कंफर्ट जोन में रहता है। मतलब इससे ज़्यादा तापमान में नहीं चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा गर्मी में नहीं हो, ज़्यादा सर्दी में नहीं हो, 23 से और 25 डिग्री होना चाहिए, तब जाकर हमारे शरीर है वो क्या रहता है, कंफर्ट जोन में रहता है। अब यहाँ पर बात हो रही है एसी की, तो मैं आपको बता दूं कि एसी में कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है। तो आपको बता दूं यहाँ पर फ्रियोन गैस का इस्तेमाल होता था पहले, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, इसको आपके फ्रियोन बोलते हैं, और इसका इस्तेमाल पहले किया जाता, इसको पहले R22 नाम से यहां पर इसको जाना जाता था, R22, ठीक है, R22 नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि R134 गैस है, इसका इस्तेमाल किया जाता है आपकी जो एसी होती है, एयर कंडीशनिंग होती है उसके अंदर, ठीक है गाइस। तो यह था आपका ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन करना चाहें थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए गाइज अब बात करते हैं ऊर्जा के स्रोत के बारे में। अब आप मैं आपसे अगर सिंपल सा प्रश्न करूं कि भाई ऊर्जा का एक स्रोत बताइए, और मैं आपसे पूछूं जैसे कि जैसे ऊर्जा है, ऊर्जा में अगर मैं तापीय ऊर्जा की बात करूं, यानी कि आग उत्पन्न करने वाला एक स्रोत बताइए, तो आप कहेंगे सर ये लो माचिस, ये एक स्रोत है। ये स्रोत नहीं है, ये तो एक छोटी सी बच्ची है, ठीक है। एक आप कहेंगे सर ये लाइटर, ये कोई स्रोत नहीं है। स्रोत का मतलब क्या है भाई, स्रोत का मतलब ये है कि जिससे आप एक एक तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में, है ना, बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकाल सकते हो, ठीक है। एक प्रकार से इनफाइनाइट, हालांकि इनफाइनाइट कुछ नहीं होती है, लेकिन एक बड़ी मात्रा में अगर किसी कहीं से एनर्जी निकल रही है ना, उसको हम उसका स्रोत बोलते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ऊर्जा के अगर सबसे बड़े स्रोत की बात की जाए तो ध्यान रखना है सूर्य, सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है, और सूर्य में क्या होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। संलयन का मतलब क्या होते हैं कि बहुत सारे परमाणु होते हैं वो आपस में मिलते रहते हैं, इस वजह से जो आपका सूर्य है उसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। चलिए बात करते हैं ऊर्जा के स्रोत के बारे में। तो ऊर्जा के स्रोत है उनको हमने दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, एक को बोलते हैं अनवीकरणीय स्रोत यानी कि नॉन रिनेबल, दूसरे आपके होते हैं नवीकरणीय जिनको बोलते हैं रिनेबल। दोनों में क्या डिफरेंट होता है भाई, ऐसे स्रोत जिनको हम एक बार अगर खत्म हो गए तो दोबारा उनको हम नहीं बना सकते हैं, या भाई बनाने में लाखों साल लगेंगे। अब सीधी सी बात है, हम तो भाई कितने दिन जिएंगे, ये तो है ना कि लाखों साल तक जिएंगे तो हम दोबारा बना के फिर काम में ले लेंगे। तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो आपके दोबारा से रिन्यूअल नहीं किए जा सकते, जिनको दोबारा नहीं बनाए जा सकते हैं, जो आपके सीमित हैं, लिमिटेड है, उन्हें हम बोलते हैं अनवीकरणीय स्रोत, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, पेट्रोलियम। या आपको पता है जो पेट्रोल है, अब ये तो नहीं सर इन्फिनिटी है ना, इससे इसलिए बोला जाता है कि भाई इनका आप लिमिटेड यूज करो, ठीक है। मान लीजिए आपके पास भाई 1 किलो चीनी है, अब आपसे बोले भाई यही है, अब आप उसको एक दिन में खत्म करो, दो दिन में खत्म करो, 5 दिन में खत्म करो। इसी प्रकार से हमारी धरती, जो हमारा धरती है उसके पास लिमिटेड मात्रा में क्या है, जो आपके पेट्रोलियम है, कोयला है, है ना, ये है। तो इनका इस्तेमाल हमको क्या करना चाहिए, बड़ी ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, और इस प्रकार से यूज करना चाहिए भाई आने वाली पीढ़ी भी इनका यूज कर सके, ठीक है। तो ऐसे स्रोत कहलाते हैं अनवीकरणीय स्रोत, जो कभी भी खत्म हो सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है, जिनके आपके स्टोरेज है वो लिमिटेड है, उन्हें हम बोलते हैं अनवीकरणीय स्रोत, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। बात करते हैं नवीकरणीय स्रोत। अब देखिए नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं,
ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो कभी खत्म नहीं होते हैं, जिनको दोबारा से रिन्यूअल किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ऊर्जा के ऐसे स्रोत को बोलते हैं नवीकरणीय स्रोत, जैसे सूर्य ऊर्जा। बताइए सूर्य ऊर्जा कभी खत्म होगी क्या? अरे जब तक जीवन है जब तक सूर्य रहेगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें पवन ऊर्जा की, बताइए पवन ऊर्जा यानी कि हवा कभी बहती हुई रुकेगी या नहीं रुकेगी? ना, सीधी सी बात है। जल संयंत्र जो आपका पानी कभी खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए जो ऐसे ऊर्जा के संयंत्र होते हैं, ऊर्जा के स्रोत होते हैं, उन्हें बोलते हैं नवीकरणीय यानी कि रिन्यूअल। इनके दूसरे नाम भी होते हैं, जो अनवीकरणीय होते हैं ना इनको परंपरागत स्रोत ही बोलते हैं। परंपरागत का मतलब है कि जो पहले से काम में लेते आए हैं उन्हें बोलते हैं परंपरागत। मतलब आपके पहले के जो बड़े दादा परदादा वो काम में लेते आए थे उन्हें बोलते थे परंपरागत। और नवीकरणीय क्या होते हैं? आधुनिक, मॉडर्न, जो अब ये जो अब वर्तमान में काम ले रहे हैं उन्हें बोलते हैं आधुनिक या अपरंपरागत। ये एक ही बात है। चलिए अब बात करते हैं कि ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत जो होता है, गुड सोर्स होता है, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। हम कब कहेंगे कि भाई ये एक अच्छा स्रोत है, है ना, एक अच्छा सोर्स है। तो देखिए उसकी कुछ आपके क्या है, कुछ आपकी विशेषता होनी चाहिए। पहला, वह सस्ता होना चाहिए, वह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई भी सोर्स है एनर्जी का, तो क्या होना चाहिए? एक तो भाई बहुत ही सस्ता होना चाहिए और उसका अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे आपका एलपीजी का सिलेंडर है, है ना, वो आपका अवेलेबल है, आप भाई अपने नजदीकी शहर में नजदीकी गांव में जाकर भरवा सकते हो और वो थोड़ा सस्ता भी है। अब देखिए हालांकि एलपीजी की जो प्राइस है लगातार बढ़ रही है लेकिन इतनी भी नहीं हम खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आम आदमी खरीद सके ऐसा स्रोत होना चाहिए। इसके अलावा आसानी से क्या होना चाहिए? उपलब्ध होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, संग्रहण करना आसान हो। भाई एलपीजी गैस है वो ऑलरेडी सिलेंडर के अंदर आती है, तो ऐसा स्रोत जिसको हम संग्रहण कर सकते हैं, स्टोरेज करना आसान होता है, उसे हम बोलते हैं उत्तम स्रोत। आगे बात करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण ना हो, यानी कि इको फ्रेंडली हो। इको फ्रेंडली मतलब एनवायरमेंट जो आपका पोल्यूशन है वो कम से कम करे। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो कोई चीज है ही नहीं जो आपका पर्यावरण प्रदूषण न फैलाए, लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके पर्यावरण प्रदूषण कम फैलाते हैं, ठीक है। जैसे आपकी सौर ऊर्जा है, इससे आपके जो एनवायरमेंट है उसको तो आपके ना के बराबर हानि होती है ना, सौर ऊर्जा से जो आप सौर पैनल है उनकी मदद से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उससे। तो ऐसे बहुत सारे आपके सोर्सेज हैं जिनसे आपके क्या होते हैं, ना के बराबर क्या होती है आपका जो पर्यावरण प्रदूषण होता है वो होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एलपीजी और सीएनजी जो होती है, एलपीजी और सीएनजी, इसमें से सीएनजी क्या होती है, बेटर होती है, है ना। सीएनजी से प्रदूषण क्या होता है, कम फैलता है। फिर आप सोच रहे हैं सर एलपीजी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? एलपीजी का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है ना, ये आउटपुट। जी हाँ, जो आपके आउटपुट है ना, आउटपुट वो आपकी जो एलपीजी है वो ज्यादा देती है। इसका मतलब क्या है भाई, एक लीटर आप सीएनजी गैस का इस्तेमाल करो और एक लीटर एलपीजी का, तो जो आपकी एलपीजी है ना वो आउटपुट ज्यादा देगी, मतलब हीट ज्यादा जनरेट करेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, सीएनजी का इस्तेमाल नहीं करते। और एक और आपका बेनिफिट है कि भाई जो आपका सीएनजी है ना, सीएनजी असली अच्छी गैस इसलिए मानी जाती है, अगर मान लीजिए सीएनजी है वो लीकेज हो गई तो सीएनजी क्या हो जाती है, सीएनजी आपके फैल जाती है, मतलब आपके वातावरण में फैल जाती है। लेकिन जो एलपीजी है ना, एलपीजी क्या हो जाती है, यहीं पर स्टोर हो जाती है, ठीक है, ये यहीं पर स्टोर हो जाती है। और अगर आग लग गई तो सीधी सी बात है उससे क्या होगा, दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो फिर भी हम एलपीजी का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर इसका आउटपुट है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। कार्य जो किया जाता है यानी कि एक लीटर में जितना कार्य करके ये देगी, जितनी हीट जनरेट ये करेगी, है ना, तो उसे हम बोलते हैं इसका आउटपुट। तो ये सारी विशेषता होती है एक ऊर्जा के अच्छे स्रोत की, है ना, एक अच्छा आपका जो सोर्स होता है उसकी। चलिए अब इसके बाद करते हैं कुछ अपरंपरागत स्रोत के बारे में, यानी कि आपके नवीकरणीय स्रोत के बारे में, ठीक है। तो देखिए जैसे आपका जल विद्युत संयंत्र है, इसका मतलब क्या है भाई, जल की सहायता से विद्युत बनाना यानी कि विद्युत धारा बनाना, आपको पता है रावत भाटा राजस्थान में है, है ना, जो जिसकी सहायता से जल की मदद से विद्युत धारा बनाई जाती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो कोई भी नदी होती है, है ना, या आपके कोई भी डैम होते हैं, बांध होते हैं, तो उसके पानी को जो जनरेटर होता है ना, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, उसके टर्बाइन के ऊपर गिराया जाता है। तो उसकी जो टर्बाइन है, पंखुड़ियां हैं, जैसे पानी गिरता है ना, वो क्या होते हैं, घूमते हैं, और घूमते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बस इतना सा सिंपल सा रूल है। तो इसे बोलते हैं जल विद्युत संयंत्र, ठीक है। आगे बात करते हैं पवन ऊर्जा, यानी कि आपका वाइंड एनर्जी। तो ये क्या होती है कि भाई जो हवा बहती है, आपको पता है हवा बहती है, तो हवा जब बहती है ना, तो उस हवा का उपयोग करके पवन चक्की लगा देते हैं जगह जगह। मतलब ऐसे आपने देखा होगा, ये पवन चक्की कहीं ना कहीं आपने ऐसे देखी होगी, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, ऐसे आपके
इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से पंखे लगा देते हैं। तो ये पंखे क्या होते हैं, जब हवा चलती है तो क्या होते हैं, आपके रोटेट होते हैं, आपके फिरते हैं, गति करते हैं, और उन्हीं जब गति करते हैं तो इनमें क्या, इसको कनेक्ट कर देते हैं किससे, हम इसको टर्बाइन से कनेक्ट कर देते हैं, और जब जैसे जैसे पंखे फिरेंगे वैसे वैसे टर्बाइन फिरता रहता है, इस वजह से क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती रहती है। आगे बात करते हैं जैव ऊर्जा। अब देखिए जैव गैस यानी कि बायोगैस इसको बोलते हैं, इसमें क्या किया जाता है, आपका जो गोबर होता है, आपके घरों में जो गोबर होता है भैंस गाय का, उसको क्या करते हैं, उसको एक गड्ढा खोदकर, है ना, एक स्पेशली इनका बनाया जाता है गड्ढा खोदकर, क्या करते हैं उसको पहले कुछ दिनों के लिए उसके अंदर डाल दिया जाता है, फिर उसको बंद कर दिया जाता है ऊपर से, ताकि कोई गैस बने वो लीकेज नहीं हो। जैसे मान लीजिए आपको बताऊं कि मान लीजिए ये ऐसे है ना, इसके अंदर हमने इधर तो क्या होता है गोबर डालने का होता है, तो यहां पर क्या कर दिया हमने, इसको भर दिया, और यहां पर क्या दिया, एक छोटी सी नली डालकर, जिसकी मदद से जो आपकी बायोगैस बनी उसको ले जाकर सीधा जो आपकी रसोई है ना, उसके अंदर क्या किचन है, उसके अंदर क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये अच्छा बहुत अच्छी प्रोसेस है, इससे क्या होता है आपकी बायोगैस बनती रहती है, और जिसको चेंज करते जाओ डालते जाओ, चेंज करते जाओ डालते जाओ, तो इससे क्या होती है आपकी बायोगैस बनती रहती है, ये आपके कहलाती है बायोगैस। आगे बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा, इसके बारे में डिटेल से हम न्यूक्लियर जो फिजिक्स है उसके अंदर पढ़ेंगे। इसमें बस इतना सा होता है कि आपके जो नाभिक होते हैं यानी कि आपके न्यूक्लियन होते हैं, उनको क्या किया जाता है, जो यूरेनियम है ना, इनको क्या किया जाता है, जलाया जाता है, इनका विस्फोट कराया जाता है, और उनकी मदद से क्या हो जाती है, बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये आपके कहलाती है न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा, इसके बारे में हम आपको जो आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियर वाला चैप्टर आना, उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। आगे देखते हैं भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियो थर्मल एनर्जी। अब देखिए होता क्या है, हमारी जो पृथ्वी है ना, माना जाता है कि हमारी जो पृथ्वी थी बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आपकी जो पृथ्वी है वो सूर्य के टुकड़े से बनी है, मतलब सूर्य तो था उसके टुकड़े हुए बहुत सारे, उनसे आपके ग्रह बने हैं और सारे, और इसी प्रकार से पृथ्वी है उसका निर्माण भी आपके सूर्य के एक टुकड़े से हुआ है। तो जब हम जो पृथ्वी है उसके अंदर की ओर जाते हैं, इसके क्रोर के अंदर की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर तापमान लगातार बढ़ता रहता है, ठीक है। जो अगर हम धरती के नीचे की ओर जाते हैं ना, तो तापमान लगातार बढ़ता रहता है, यानी कि पृथ्वी पर अंदर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और उसी का उपयोग करके हम क्या करते हैं, उससे विद्युत धारा बनाते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो आपकी एनर्जी उसको बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियो थर्मल एनर्जी। आगे बात करते हैं सौर ऊर्जा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका आधुनिक यानी कि मॉडर्न जमाने में वर्तमान में जो सोलर एनर्जी है ना, इसको बड़े पैमाने पर गाइस अपनाया जा रहा है। आपने देखा होगा कोई भी आईटी केंद्र होता है या कोई भी आपकी बड़ी बड़ी जैसे सरकारी संस्थाएं हैं, उनमें क्या होता है कि छतों के ऊपर सोलर पैनल जरूर देखे होंगे, गाँव में शहरों में सब जगह आजकल सोलर पैनल का उपयोग किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें एक पैनल बनाया जाता है और उस पैनल के अंदर क्या हो जाते हैं आपके सिलिकॉन जो होते हैं, सिलिकॉन की क्या होती है एक आपके प्लेट बनाई जाती है, और सिलिकॉन पर जब आपका जो सूर्य का प्रकाश गिरता है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके आवेशित हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और इलेक्ट्रॉन के मूव करने को ही विद्युत धारा कहते हैं, परिभाषा बताई थी ना, तो यहां से क्या होती है विद्युत धारा बनती है, इसको हम क्या करते हैं स्टोर कर लेते हैं, ठीक है गाइज। और इससे जो बैटरी होती है बड़ी बड़ी है ना, उनके अंदर क्या कहलाते हैं स्टोर कर लेते हैं और फिर उनका यूजेस करते रहते हैं बाद में। तो ये बहुत ही जबरदस्त है, वर्तमान में सौर ऊर्जा है हर जगह आपको मिलेगा। ध्यान इतना सा रखना है कि सौर ऊर्जा है उसमें आपके जो सिलिकॉन पैनल है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसके कुछ आपके डिसएडवांटेजेस भी हैं जो सौर ऊर्जा के। डिसएडवांटेज ये है कि मान लीजिए जब बारिश के दिन होते हैं उस समय क्या होता है आपका जो सौर ऊर्जा है वो आपको बहुत कम मिलेगी, और इसके अलावा इसकी जो डायरेक्शन है वो भी आपको सही होनी चाहिए सौर पैनल की। इसके अलावा नाइट में किसी प्रकार की जो एनर्जी है ये नहीं बनाती, क्योंकि सूर्य का प्रकाश आएगा तभी एनर्जी बनाती है, ये कुछ डिसएडवांटेज है। अब यहां पर बात करते हैं सोलर कुकर की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए सोलर कुकर क्या होता है भाई, सूर्य की जो ऊष्मा होती है सूर्य के प्रकाश होता है ना उसको स्टोर करके एक प्रकार से भोजन बनाना, ठीक है, भोजन बनाने के काम में सूर्य की जो ऊर्जा ले जाती है ना, सूर्य का प्रकाश जो आता है उसको स्टोर करके भोजन बनाने में क्या सोलर कुकर है इनका इस्तेमाल किया जाता है। और आपको एक और ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया था कि भाई आपके सौर पैनल जो होते हैं या आपके सोलर कुकर होते हैं उनको किस शेप में बनाया जाना चाहिए ताकि मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, यानी कि उनका आकार कैसा बनाएं ताकि हम भाई जो सूर्य की आने वाली अधिकतम प्रकाश किरणें हैं उनको यहाँ पर क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। तो मैं आपको बता दूं, जो आपके सेटअप बॉक्स होता है ना, डिश टीवी आप जानते हैं उसको, आपने देखा है उसका जो जो एंटीना होता है ना बाहर का कैसा होता है, वो क्या होता है पैराबोलिक टाइप का होता है, आपने देखा होगा ना ऐसे पैराबोलिक टाइप का, ठीक है,
ऐसा, तो ऐसी अगर आकार होगी ना, है ना, ऐसा आकार पैराबोलिक टाइप का, तो उससे क्या होता है, मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। तो ध्यान रखना है, ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था कि भाई सौर पैनल जो होते हैं या सोलर कुकर होते हैं उनकी ज्योमेट्री कैसे होनी चाहिए ताकि हमको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। ठीक है, ये देखिए, ये मेरे पास यूथ पब्लिकेशन बुक है, आपके सामने क्वेश्चन रखा, देखिए ये रहा कि सौर ऊर्जा संग्राहक होते हैं या सौर ऊर्जा कलेक्टर होते हैं उनमें अधिकतम क्षमता किसमें होती है, क्वेश्चन नंबर 1566। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1566 है ना, इसको आप देख लीजिएगा, आपकी आपके पास बुक है तो। इसमें लिखा गया है सौर ऊर्जा संग्राहक जो होते हैं, मतलब सोलर एनर्जी होते हैं उसको जो आपको कलेक्ट करने वाले होते हैं, उनमें मैक्सिमम क्षमता किसकी होती है, ना एफिशिएंसी किसकी सबसे अच्छी होती है। एग्जांपल दे रखा है, समतल प्लेट संग्राहक, लाइन फोकसिंग संग्राहक, पैराबोलिक डिस्क आपका संग्राहक और सुन्निकृत ट्यूब। तो ध्यान रखना है पैराबोलिक यानी कि परवलयकार जो होते हैं उनकी क्या होती है, सबसे ज्यादा क्या होती है आपकी एफिशिएंसी होती है। चलिए इसके बाद बात करते हैं यहां पर सागर जो होता है ना, सागर जो आपका समुद्र होता है ओशियन, उससे भी हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो आपके कितने प्रकार की होती है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है तीन प्रकार की मेनली आपकी जो एनर्जी है, आपका जो आपका सी होता है, समुद्र होता है, ओशियन होता है, इससे प्राप्त होती है। कौन कौन सी, एक होती है ज्वारीय, एक होती है तरंग, एक होती है महासागर तापीय। अब देखिए तीनों में क्या डिफरेंट है, देखिए ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है, तो देखिए समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, ज्वार भाटा क्या होते हैं भाई, समुद्र का जो पानी है ना उसका अपने जो नॉर्मल एवरेज जिस सतह पर उठता है उससे बहुत ज्यादा उठना, उसे हम बोलते हैं ज्वार भाटा, यानी कि समुद्र के पानी का जो छलाव होता है, मतलब एक प्रकार से उठना बहुत अधिक मात्रा में, उसे हम बोलते हैं ज्वार भाटा आना, टाइडल आना। ठीक है, तो उसका उससे हम क्या करते हैं, जो ज्वार भाटे आते हैं उन्हीं की मदद से हम जो टर्बाइन होते हैं उनको घुमाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा यानी कि टाइडल एनर्जी। आगे बात करें तरंग ऊर्जा, तो नॉर्मली जो आपका क्या होता है समुद्र होता है जब उसमें हवा चलती है ना, तो हवा चलने के कारण बहुत सारी लहरें उत्पन्न होती रहती हैं, है ना, वेव उत्पन्न होती रहती है समुद्र के अंदर। ठीक है, तो यहां पर उन तरंगों का उपयोग करके जो आपके टर्बाइन होते हैं उनको घुमाने में इस्तेमाल करते हैं और जिससे क्या होती है आपकी विद्युत धारा बनती रहती है। आगे बात करते हैं महासागरीय तापीय यानी कि आपका ओशियन थर्मल एनर्जी, ये क्या होती है, कभी महासागर में क्या होता है जैसे टेम्परेचर की बात करें महासागर में, तो अगर समुद्र है महासागर है उसमें अगर नीचे की ओर जाते हो तो तापमान क्या होता है उसका भी लगातार बढ़ता रहता है, यानी कि समुद्र में भी जो ऊपर वाला पॉइंट है और समुद्र का नीचे वाला जो पॉइंट है उनमें भी क्या पाया जाता है, तापांतर पाया जाता है, मतलब ताप में डिफरेंट पाया जाता है, और उसी का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं विद्युत धारा बना सकते हैं, उससे एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं महासागर तापीय ऊर्जा। ओके गाइज, तो ये था अपना ऊर्जा का स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है गाइज, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। अब दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं ना, मैंने आपको पहले बता दिया है कि भाई ये आपके बहुत बड़ा टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर, आपके जो ग्रेजुएट में आपके एक स्पेशल बुक आती है और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी स्पेशल बुक आती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ फॉर्म में यहाँ पर अपने जो रेलवे में जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं उनके ऊपर बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहली बात तो ये कि जो न्यूक्लियर फिजिक्स है इसको हिंदी में बोलते हैं न्यूक्लियर यानी कि नाभिकीय और फिजिक्स यानी कि भौतिकी, यानी कि नाभिकीय भौतिकी इसको कहा जाता है। अब देखिए नाभिक आप जानते हैं क्या होता है, जो एटम जो होता है परमाणु होता है उसके केंद्र में आपके न्यूक्लियस यानी कि नाभिक स्थित होता है, तो उसी का अध्ययन करना ही आपका कहलाता है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके अनुसार प्रारंभ में तीन मूल कण थे, ठीक है, जो तीन मूल कण थे वो कौन कौन से थे आप जानते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 30 से भी ज्यादा है। पहले ये तीन कण थे लेकिन अब बहुत सारे हैं, पॉजिट्रॉन है ना, आपके बहुत सारे हैं, बोसोन कण है, अब बहुत प्रकार के कैटेगराइज किए गए हैं। अब देखिए यहां पर इसके बाद जो मेन चीज है वो आपका है रेडियोधर्मिता, या इसको बलते हैं रेडियो क्षय। ये क्या चीज है रेडियोधर्मिता व रेडियोधर्मी क्षय, ये क्या होता है, ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहले बात करते हैं रेडियोधर्मिता का अर्थ क्या होता है, तो देखिए ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, कुछ बाहरी तत्व होते हैं जो क्या करते हैं अपने आप ही स्वतः ही बहुत सारी रेडिएशन है, बहुत सारी विकिरण होती हैं, उनका अल्फा बीटा गामा इनमें क्या कर देते हैं उत्सर्जन करते रहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं रेडियोधर्मिता, क्या बोलते हैं इसको रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए ये जो आपकी प्रोसेस होती है ना वो आपके भारी नाभिक जो होते हैं हैवी जो एटम्स होते हैं ना उनमें आपकी होती है। ठीक है, जो हैवी आपके एटम होते हैं उनमें आपकी होती है ज्यादातर। अब देखिए
रेडियो धर्मिता के बारे में आपको ध्यान रखना है कि रेडियो धर्मिता जो वर्ड था, जो शब्द था, आपके मैडम क्यूरी ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। रेडियो धर्मिता है ना, रेडियो एक्टिविटी वो आपकी मैडम क्यूरी ने दिया था वर्ड, लेकिन ध्यान रखना रेडियो धर्मिता को समझाया किसने, एक्सप्लेन किसने किया, तो ध्यान रखना है हेनरी बेकुरल। प्रश्न अगर ऐसे पूछा जाए रेडियो धर्मिता की खोज किसने की, ध्यान रखना है हेनरी बेकुरल, ये आपको ध्यान रखना है। जब अगर ऐसे पूछे कि रेडियो धर्मिता शब्द किसने दिया, तो ध्यान रखना है मैडम क्यूरी ने। अब देखिए रेडियो धर्मी जो तत्व होते हैं वो यहाँ पर रेडिएशन जो होते हैं, विकिरण होते हैं, उनको तीन तरह से क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, है ना। तो देखिए कौन कौन से, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। प्रश्न आपको क्या ध्यान रखना है भाई, देखिए अल्फा जो होती है, अल्फा विकिरण जो निकलती है वो आपके पॉजिटिव वाली होती है, मतलब धनावेश होती है, जो आपके बीटा वाली होती है वो आपके ऋणावेश वाली होती है, और आपकी जो गामा किरणें होती हैं वो क्या होती है, उदासीन होती है, उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होता। अब देखिए जो आपका अल्फा वाला जो होता है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कि जो अल्फा वाला जो आपका छह होता है, अल्फा अपघटन होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे देखिए यहां पर जो अल्फा में क्या होता है, एक हीलियम का आयन क्या होता है, बनता है। देखिए मान लीजिए ये आपका प्लूटोनियम है ना, प्लूटोनियम, और ये देखिए ये आपका, इसका जो आपका परमाणु भार है वो आपका 239 है और परमाणु संख्या 94 है। तो होता क्या है, जब इसका अल्फा 6 होता है ना, तो ये आपके यूरेनियम 92-235 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और एक हीलियम का आयन क्या होता है, यहाँ पर मुक्त होता है, यानी कि हीलियम अणु का यहाँ पर निर्माण होता है। तो आप ये बोल सकते हो भाई रेडियो धर्मिता में क्या होता है, एक बड़ा जो नाभिक होता है वो क्या करता है, छोटे नाभिकों में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो एग्जांपल है अल्फा का है, बीटा और गामा के कोई इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, वैसे तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, उसको हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। आगे देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो अल्फा बीटा गामा है, इनमें जो भेदन क्षमता होती है ना, आपका पेनेट्रेटिंग जो स्ट्रेंथ होती है, पेनेट्रेटिंग पावर होती है, वो अल्फा की सबसे कम होती है, उसके बाद बीटा की होती है, उसके बाद में गामा की होती है। प्रश्न अगर आपसे पूछ ले भाई किस जो तरंग है ना, कौन सी तरंग है जिसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, तो ध्यान रखना है आपका गामा की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है इंपोर्टेंट यहां पर टॉपिक, जिसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, दो अलग अलग प्रोसेस है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं, दोनों में क्या अंतर है इनके बारे में बात करते हैं। देखिए नाभिकीय विखंडन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन ध्यान रखना है, और नाभिकीय संलयन को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। ये यहां पर देखिए स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है, FISION और FUSION, ठीक है, इसको फ्यूजन बोलते हैं, इसको फ्यूजन बोलते हैं, बस इतना डिफरेंट है। अब देखिए आपको नाम से पता लग रहा होगा भाई नाभिकीय विखंडन, यानी कि एक बड़ा नाभिक होगा वो टूटेगा छोटे नाभिकों के रूप में, और संलयन का मतलब है दो छोटे छोटे, दो अधिक क्या होंगे आपके नाभिक होंगे, वो क्या करेंगे आपस में जुड़ जाएंगे, उसे बोलते हैं आपका नाभिकीय संलयन, सीधी सी बात है। अब देखिए बात करते हैं दोनों के ऊपर, तो देखिए इधर बात करते हैं नाभिकीय विखंडन के ऊपर, इधर बात करते हैं नाभिकीय संलयन के ऊपर। तो देखिए जो आपकी नाभिकीय विखंडन होती है, इसमें क्या होता है, एक जो आपका बड़ा क्या होता है, बड़ा कोई भी एटम होता है, बड़ा परमाणु होता है, वो छोटे छोटे परमाणुओं में टूट जाता है। ये जो प्रोसेस होती है वो आपके एटम बम, यानी कि आपका आणविक जो बम होता है, परमाणु बम, उसमें इसका सिद्धांत होता है। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि परमाणु भट्टी, प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न कैसे पूछा जाता है भाई, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परमाणु बम का प्रिंसिपल क्या है, या पूछ ले परमाणु भट्टी है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ध्यान रखना है नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है। दूसरी बात करते हैं यहां पर फ्यूजन के ऊपर, यानी कि नाभिकीय संलयन के ऊपर, इसमें क्या होता है, आपके जो बहुत सारे एटम होते हैं छोटे छोटे, वो मिलकर आपके बड़े एटम का निर्माण करते हैं। ये जो प्रोसेस होती है वो आपके हाइड्रोजन बम पे होती है, और आपका सौर ऊर्जा जो होती है, सूर्य की लाइट जो होती है, और आपके जो प्रकाशों में रोशनी होती है, पूछ ले भाई सूर्य में किस प्रकार की ऊर्जा है, 2018 में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था भाई, सूर्य में जो ऊर्जा होती है वो कहां से आती है, सूर्य में ऊर्जा होने का कारण क्या है, तो ध्यान रखना है इसके अंदर होती है नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आपके जो मैं आपको बता दूं, जो हमारा सूर्य होता है उसमें लगभग 70% आपके हाइड्रोजन गैस होती है, और लगभग 28% हीलियम गैस होती है, बाकी और 2% है वो आपकी और गैसेस होती हैं, और ये आपस में नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से क्या करती हैं, सूर्य के टेम्परेचर को बढ़ाती रहती हैं, इसलिए सूर्य का तापमान बढ़ ही रहा है, कभी भी घटता नहीं है।
प्रश्न पूछ सकता है कि भाई हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन पूछ ले, आपका सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो कहाँ से आती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से। जो तारे होते हैं तारों के पास रोशनी कहाँ से आती है, तारे टिमटिमाते क्यों, उनके पास रोशनी लाइट कहाँ से आती है, ध्यान रखना है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने आपको हिंट के माध्यम से बताया, एक जो बड़ा नाभिक होता है ना, बड़ा न्यूक्लियस होता है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका यूरेनियम है, यूरेनियम उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ओके यहाँ पर मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, यहाँ पर जो ये आना 232 ऊपर आता है ना, ये 238 ऊपर आता है, 92 यहाँ पे आता है, ऐसे गलत लिख दिया। और ये भी देखिए 56 148, ये यहाँ पर थोड़े उल्टे लिख दिए, 56 48, ओके यहाँ पर मैंने थोड़े उल्टे लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये होता है, ये आपका 3688 है ना, ये नीचे आता है 3688, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार से आते हैं, इसको एग्जांपल मैंने लिख दिया है ना। वैसे इसमें देखिए क्या होता है कि एक बड़ा नाभिक जो होता है ना, यूरेनियम 92 है, वो दो अलग अलग क्या होता है, छोटे नाभिकों में ब्रेक हो जाता है। इसके अलावा एनर्जी भी यहां पर बनती है, इसके अलावा तीन यहां पर देखिए न्यूट्रॉन्स हैं यहां पर बनते हैं। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर देखिए, यहां पर आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक है ना, ये आपके मिलकर, ये मिलकर क्या करते हैं, आपके हीलियम के एक परमाणु का करते हैं निर्माण करते हैं, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन है और यहाँ पर एनर्जी बनती है, ये इसके एग्जांपल हैं। यहाँ पर देखिए कौन सी आपसे पूछ लेगी भाई, नाभिकीय संलयन है और नाभिकीय विखंडन है, दोनों में से खतरनाक कौन सी होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है नाभिकीय संलयन जो है यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है आपके ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये आप इसमें क्या होती है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ज़्यादा डेंजरियस होता है, ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर निकलती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है नाभिकीय संलयन एक आपके क्या होती है, ज्यादा क्या होती है, ज्यादा खतरनाक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर। इससे पहले हम बात कर रहे हैं रेडियोधर्मिता की, तो रेडियोधर्मिता जो है इनका यूजेस कहाँ किया जाता है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका उपयोग किया जाता है रोगों के उपचार करने में, बहुत सारी डिजीज होती हैं जिनका उपचार करने में उपयोग किया जाता है, जैसे कैंसर होता है। कैंसर में क्या होता है कि जगह जगह हम देखो, मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा सेल डिविजन होता है ना, उसमें आपको पता होगा कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, समसूत्री और आपका अर्धसूत्री। तो उसमें क्या होता है कि एक निश्चित मात्रा में, निश्चित रेशियो में ही कोशिकाओं का उत्पादन होता है, लेकिन जब कैंसर हो जाता है ना, तो कैंसर में क्या होता है कि जो आपका सेल डिवीजन होता है वो गड़बड़ा जाता है, मतलब जगह जगह आपका जहां पर मान लीजिए हाथ है तो यहां पर क्या होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। तो होता क्या है, शरीर में जगह जगह क्या हो जाते हैं, गुच्छे से बन जाते हैं कोशिकाओं के, है ना। तो उसे हम बोलते हैं कैंसर की स्थिति, जगह जगह शरीर में गुच्छे बन जाते हैं, है ना, उसे बोलते हैं कैंसर। तो यहां पर जो आपका रेडियो एक्टिविटी है, इससे रेडियो एक्टिविटी से कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसके अलावा थायराइड, तो आप जानते हैं थायराइड ग्रंथि होती है, वो आपकी फूल जाती है, को आपका गलगन रोग बोलते हैं, गाइटर रोग बोलते हैं, गला आदमी का क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, फूल कर। तो इस बीमारी का उपयोग करने के लिए रेडिएशन आयोडीन का उपयोग किया जाता है, यानी कि आयोडीन की विकिरण का उपयोग किया जाता है। आपने जरूर पढ़ा होगा कि आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आयोडीन विकिरण का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कार्बन डेटिंग, आपने नाम सुना होगा, इसकी मदद से जो हमारे पास कोई भी पेड़ पौधे हैं पुराने, है ना, इमारतें हैं, उनकी हम एज पता लगा सकते हैं, भाई ये कितनी पुरानी है। मान लीजिए आपको कोई चीज़ दे दी, कोई पत्थर का टुकड़ा दे दिया, आप बता सकते हैं कि कितना पुराना है। कोई पेड़ आपको दे दिया, पेड़ का टुकड़ा, आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ये किस टाइम का है। तो इसमें क्या किया जाता है, कार्बन जो होता है, कार्बन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन के समस्थानिक बनेंगे कैसे, इस अल्फा बीटा गामा की मदद से। अल्फा बीटा गामा 6 जो होगा ना, तब आपके जो कार्बन जो है या किसी भी एलिमेंट है उसके हम क्या बना सकते हैं, आपके जो समस्थानिक है यहाँ पर बना सकते हैं। समस्थानिक, समभारिक, आइसोटोप और आइसोबार के बारे में आपको केमिस्ट्री में स्पेशली यहाँ पर बोर्ड डिटेल में पढ़ाया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर, जो अपने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला, रेडियो 6 जो होता है, रेडियो एक्टिविटी होती है, उसमें लास्ट जो एलिमेंट बनता है, मान लीजिए इस प्रकार से ब्रेक हो गया, यूरेनियम ब्रेक हुआ आपका इसमें, तो लास्ट जो एलिमेंट बना, ऐसे ब्रेक होते होते प्लेटिनम यूरेनियम में ब्रेक हुआ, तो जब लास्ट में जब आपका जो आपका रेडियोधर्मिता है पूरी तरह खत्म हो जाती है रेडियो एक्टिविटी, तो लास्ट में कौन सा एलिमेंट बनता है, ध्यान रखना है पारा, ध्यान रखना है वो आपका पारा नहीं, आपका पारा, ध्यान रखना है पारा जो होता है, मरकरी जो होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाला यहाँ पर बनता है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है ना, एक मिनट, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर जब आपका रेडियो एक्टिविटी खत्म हो जाती है तो अंतिम पदार्थ जो होता है आपका सीसा होता है, ठीक है। मैं यही कन्फ्यूजन था, सीसा होता है, पारा नहीं होता है,
ये आपको ध्यान रखना है, सीसा होता है, ठीक है, सीसा। ओके, ध्यान रखना है कि सीसा अंतिम रूप से बनने वाला एलिमेंट होता है। और एक चीज यहां पर कि अर्ध आयुकाल क्या होता है, ठीक है, हाफ लाइफ किसे कहते हैं, अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। तो देखिए, जब आपका कोई भारी परमाणु होता है वो धीरे 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 अपनी विकिरण ऊर्जा को त्यागता रहता है और छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे नाभिकों में विभक्त हो जाता है। तो वह समय, वह टाइम जब उसका शुरुआत में जितने उसके पास रेडिएशन था, है ना, शुरुआत में उसके पास कितने न्यूक्लियस थे उनका आधा उसके पास रह जाए, है ना, अर्धायुकाल उसको बोलते हैं, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब आधा वो शेष रह जाए, मूल जब शुरुआत में था तो उसका आधा जिस समय पर रह जाता है उसे हम बोलते हैं उसका अर्धायुकाल। चलिए अब यहाँ पर एक, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं कि अमेरिका ने, आपको पता होगा वर्ल्ड वार जब हुआ था, है ना, विश्व युद्ध जब हुए थे, तो यहाँ पर जापान के ऊपर उन्होंने दो बम फटके थे, हिरोशिमा और नागासाकी जो शहर थे उनके ऊपर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई जो आपका हिरोशिमा था और नागासाकी था उस पर जो बम गिराए गए थे उनके नाम क्या हैं। तो गाइज आपको ध्यान रखने हैं, अमेरिका ने जब उनके ऊपर बम गिराए तो हिरोशिमा जो था, हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, भारत ने जो परमाणु परीक्षण किए हैं, आपको पता होगा भारत ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, है ना, तो उसको आपको पता होना चाहिए कि भारत ने दो बार परमाणु परीक्षण किया है, एक बार 1974 और एक बार 1998। 1974 में इंदिरा गांधी भारत की पीएम थी, उस टाइम पे किया गया था, और इसे जो नाम दिया गया था वो दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। ध्यान रखना है, ये आपके पोकरण राजस्थान में किया गया था, और आपको ध्यान रखना है स्माइलिंग बुद्धा इसका क्या नाम, इसका नाम रखा गया था, जो आपका परीक्षण किया गया था इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, है ना, इसको पोखरण वन के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जो 1998 में जो अब जब आपके अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे ये आपका किया गया था, और ये उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन शक्ति पूछ लेते हैं, भारत ने 1998 में जब परमाणु परीक्षण किया गया था उसका नाम क्या था, तो ध्यान रखना है ऑपरेशन शक्ति, और इसे ही आपका जो पोखरण सेकेंड है, पोखरण टू, इसके नाम से जाना जाता है। तो गाइज इनको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अपने क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं नाभिकीय भट्टी, इसको परमाणु भट्टी भी बोलते हैं, एक ही बात है, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर या आपका एटॉमिक रिएक्टर, एक ही बात है। अब देखिए ये आप पहली बात तो ये कि किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो जैसे जब ही हमने थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि आपका नाभिकीय जो विखंडन है, तो यहां पर क्या होता है कि ये आपका जो नाभिकीय भट्टी है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये आपका नियंत्रित नाभिकीय संलयन पर, वो आपका नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर क्या करती है, काम करती है। इसका क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि इस अभिक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि ये आपके नाभिकीय विखंडन ही है, लेकिन इस प्रकार के विखंडन में कर सकते हैं हम, कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया पर आपके आधारित होती है। अब देखिए ये इसका एक फेयर डायग्राम मैंने आपको बना दिया है। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहां पर एक बाहर की तरफ बहुत मोटी आवरण की क्या होती है, कंक्रीट की एक दीवार होती है, उसके अंदर यूरेनियम है, ईंधन है, उसको यहाँ पर रखा जाता है दूर दूर। देखिए ये यूरेनियम है, यूरेनियम की छड़ है, यूरेनियम की रोड है, जिनको यहाँ पर दूर दूर रख दिया गया है। इनके बीच में क्या करते हैं, कैडमियम की छड़ रखी जाती है, कैडमियम या कार्बन की छड़ रखी जाती है, जो यहाँ पर कंट्रोल करती है, जो नाभिकीय अभिक्रिया होगी, न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, उसको यहाँ पर कंट्रोल करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है आगे, इसमें क्या होता है, यहां पर देखिए चार यहां पर मेन चीज है जिनको आपको ध्यान रखना है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए चार बातों को आपको ध्यान रखना है इसमें। देखिए यहां पर जो बार उपकरण है, यहां पर ऊष्मा अवशोषक यंत्र लगे होते हैं, और बार यहां पर बहुत सारा एक बड़ा सा डायग्राम होता है, है ना, जहां पर आपका वाटर होता है ना, उसका आपका वाष्पीकरण वगैरह होता है, उससे इसको ठंडा किया जाता है। तो ये चीजें हैं, तो फेयरली जो डायग्राम है इस प्रकार का होता है। अब जो क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं, आपको बता दूं यहां पर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए पहली बात ये कि यहां पर जो आपका परमाणु भट्टी है उसमें नियंत्रक छड़ जो होती है, कंट्रोल रोड जो होती है, उनका काम क्या होता है, और वे किसकी बनी होती है। तो ध्यान रखना है ये आपके बोरोन और कैडमियम की बनी हुई होती है, बोरोन और कैडमियम की, और इनका काम होता है आपके जो अभिक्रिया है उसको कंट्रोल करना, है ना। जब आपको लग रहा है कि अभिक्रिया है कंट्रोल नहीं हो रही है, तेज हो रही है, आप उसको कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा यहां पर होता है ईंधन, यानी कि फ्यूल, यानी कि जिसकी सहायता से आप यहां पर एनर्जी प्राप्त करोगे, ठीक है, वो आपका होता है फ्यूल। तो यहां पर फ्यूल के रूप में यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम तीनों का उपयोग किया जाता है, मेनली यहां पर यूरेनियम का उपयोग किया जाता है।
आगे बात करते हैं मंदक यानी कि मॉडरेटर। तो इनका काम होता है मंडरक और मंदक जो होता है मॉडरेटर, इनका काम क्या होता है, जो अभिक्रिया होती है ये दोनों क्या करते हैं, शीतलक और आपका मॉडरेटर होते हैं, दोनों ही आपके क्या करते हैं जो अभिक्रिया होती है उसको क्या करते हैं आपके कम करने में काम आते हैं। मंदक, मंदक यानी कि आपका मंदक होते हैं मॉडरेटर जो आपके भारी जल के रूप में और आपका ग्रेफाइट दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं कि भाई जो मंदक है मॉडरेटर रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना है भारी जल D2O और आपका ग्रेफाइट दोनों का उपयोग आपके मंदक यानी कि मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। इसके अलावा आगे बात करते हैं शीतलक यानी कि कूलेंट। तो यहां पर देखिए जो ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है उसको यहां पर अवशोषित करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। तो यहां पर एक तो होता है जल का, इसके अलावा लिक्विड सोडियम है इनका यहां पर उपयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये चारों चीजें है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, ये अपने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पर इनके बारे में क्वेश्चन स्पेशली यहां पर ये है ना इनके ऊपर ये चारों है ना इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब इसको आप देखकर सोच रहे होंगे सर ये तो करंट अफेयर और जीके का पोर्शन है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत सारे पूछे गए हैं 2018 में, एक एक इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये जो भारत के परमाणु संयंत्र है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया ये आपके बहुत सारे पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए मैं सारे के सारे लिख दूं जो भारत के हैं और जो बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए बात करते हैं एक एक के बारे में। तो भारत का जो पहला परमाणु संयंत्र था, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो तारापुर महाराष्ट्र में है और आपके यूएसए यानी कि आपका अमेरिका की सहायता से 1969 में इसको स्थापित किया गया था। बाकी बात करते हैं ये यहां पर आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि सीरीज पे है, ये ध्यान रखना है कि दूसरे नंबर पे ये था, ये ऐसा नहीं है, मात्र ये आपको ये ध्यान रखना है कि पहले वाला तारापुर था, बाकी मैंने ऐसे रैंडम लिखे गए हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि जैतपुर कहां है, महाराष्ट्र का है, गोरखपुर कहां का है, हरियाणा का, ध्यान रखना गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक सिटी है, लेकिन ये यहां पर गोरखपुर पावर प्लांट पूछे, ध्यान रखना हरियाणा में। आगे बात करते हैं नरोरा यूपी का है, राजौली ध्यान रखना बिहार के अंदर है, हरिपुर आपका वेस्ट बंगाल में है, यहां पर छुटका और भीमपुर दोनों आपके मध्य प्रदेश में है पावर प्लांट। इसके अलावा बात करें कल्पक्कम, ये बहुत ही फेमस है, ध्यान रखना है कल्पक्कम और कुंडलकुलम, ये ध्यान रखना है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ जाते हैं, तमिलनाडु के अंदर है, कैगा आपका कर्नाटक के अंदर है, आपका काकरापुरा ये आपका गुजरात के अंदर है और आपका मीठी वृद्धि ये दोनों आपके कहाँ है गुजरात के अंदर है। आगे बात करें रावत भाटा ये आपके राजस्थान के अंदर है और माही बांसवाड़ा ये आपके दोनों कहाँ पे है राजस्थान में है और आपका जो कोवड्डा ठीक है ये आपके आंध्र प्रदेश में है। तो गाइस इनको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए सारे के सारे लिख दिए जाए, तो नोट कर लीजिएगा ये 2018 में बहुत बार रिपीट हुए थे। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं और अब यहाँ पर देखते हैं अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, ये आपके पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो देखिए सेमीकंडक्टर अर्धचालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता, देखिए जो पदार्थ होते हैं ना उनको तीन भागों में बांटा गया है, जो आपके चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रभाव होता है, जैसे आपका आपका सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, तांबा है, कॉपर है, लोहा है, ये क्या आते हैं आपके कंडक्टर यानी कि चालक की श्रेणी में आते हैं। दूसरी बात करते हैं कुचालक, जिनके अंदर विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, ठीक है, विद्युत धारा का चालन क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इस कारण से इनमें क्या होता है विद्युत धारा नहीं बहती है, जैसे आपका कागज है, प्लास्टिक है, ये क्या होते हैं विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। आगे बात करते हैं तीसरे होते हैं अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पर अगर इनका टेम्परेचर अगर लो रखा जाए यानी कि सामान्य स्थितियों में अगर बात करें सामान्य स्थितियों में इनका जो विद्युत चालकता होती है वो तो नहीं होती है, लेकिन अगर इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या इनमें कुछ परिवर्तन किया जाए या अशुद्धि मिला दी जाए तो क्या होते हैं ये विद्युत धारा का चालन करने लग जाते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता आपके जो कुचालक होते हैं उनसे ज्यादा होती है और सुचालक से कम होती है उन्हें बोलते हैं अर्धचालक। यानी कि नॉर्मल स्थितियों पे तो क्या होंगे आपके कुचालक की तरह व्यवहार करेंगे, लेकिन अगर इनमें कुछ अशुद्धि मिला दें, इनका तापमान अगर बढ़ा दें तो क्या होगा इनकी चालकता बढ़ जाती है, इन्हें बोलते हैं अर्धचालक। ये आपके मेनली दो काम आते हैं अपने, सिलिकॉन जर्मेनियम वैसे तो आपके साथ होते हैं, लेकिन आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम ये बड़े इंपॉर्टेंट है।
सिलिकॉन का जो उपयोग किया जाता है आईसी बनाने में, आपको ध्यान रखना है कि जो आपके आईसी होते हैं है ना, उनको बनाने में एकीकृत परिपथ जिनको बोलते हैं, इनको बनाने में सोलर पैनल जो होती है, सोलर प्लेट जो होती है उनको बनाने में, इसके अलावा मेमोरी चिप जो होती है उनको बनाने में गाइज आपके जो सिलिकॉन है इसका उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें आपके अर्धचालक होते हैं ये टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करते हैं, तो ध्यान रखना है जो आपके अर्धचालक होते हैं अगर इनका तापमान बढ़ाया जाता है ना तो इनकी विद्युत चालकता बढ़ती है, ये आपको ध्यान रखना है, इनकी चालकता बढ़ती है अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो, और अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे बात करते हैं, एक चीज होती है डोपिंग। डोपिंग का क्या मतलब होता है, तो देखिए डोपिंग का मतलब क्या होता है, आपके जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें कुछ अशुद्धि मिलाना है ना, उसे बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब है आपके जो सेमीकंडक्टर है उनके अंदर कोई मिक्स करना, कुछ भी ऐड करना, यानी कि इसके अंदर दूसरे एलिमेंट जोड़ना, उसे बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग दो प्रकार से कर सकते हैं, एक होती है एन टाइप की, एक होती है पी टाइप की, ध्यान रखना है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अगर आपके, देखिए ये इसको बोलते हैं एन टाइप का, इसे बोलते हैं पी टाइप का, अगर आपके जो अर्धचालक है सेमीकंडक्टर है उनमें ऐसे पदार्थ जोड़े जाएं जिनकी संयोजकता होती है पांच संयोजी तत्व हैं, अगर इनमें ऐड किए जाते हैं उस प्रकार की जो आपके डोपिंग होती है उसे बोलते हैं एन टाइप डोपिंग। इसमें आपके होते हैं, देखिए ये आपको ध्यान रखना है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है, ये आपकी ट्रिक है, जो 15वें वर्ग के एलिमेंट है उनकी, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो वर्ग 15 के जो एलिमेंट है उनके पास अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सारे के सारे एन प्रकार के क्या बनाते हैं, सेमीकंडक्टर बनाते हैं, एन प्रकार की डोपिंग होती है। इनमें क्या होता है, जब आपके अर्धचालक के साथ ये एलिमेंट मिला दिए जाते हैं ना, तो इनके पास तो है भैया 5 इलेक्ट्रॉन, इनके पास क्या है 5 इलेक्ट्रॉन, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं उनकी कक्षा में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो करते क्या है ये जब इसके साथ बंध बनाएंगे 4, तो आपका ये जो है इनके पास क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही जो एन टाइप के आपके क्या होते हैं सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप की जो आपकी डोपिंग होती है उसमें विद्युत धारा क्या होता है, चालन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एन टाइप की जो डोपिंग होती है उसे दाता अशुद्धि भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन देते हैं, ध्यान रखना है, इसलिए इन्हें दाता अशुद्धि बोलते हैं, डोनेटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें पी टाइप की डोपिंग की, तो आपको ध्यान रखना है इसमें 13वें वर्ग, अगर आपका ग्रुप 13 के एलिमेंट है अगर उनको ऐड कर दिए जाए सेमीकंडक्टर के अंदर, तो आपके पी प्रकार की डोपिंग कहलाती है। इसमें देखिए आपका बोरोन, आपका देखिए आपका बैंगन आलू गाजर इन थैला, आप बाजार सब्जी लेने गए तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, इनकी बोरोन एल्युमिनियम गैलियम बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम, अगर ये वाले एलिमेंट है अगर यहाँ पर आपके सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ मिला दिए जाते हैं तो आपकी पी टाइप की डोपिंग होती है। ध्यान रखना है इनमें क्या होता है भाई, इनके पास तो ओल्ड ये इनके पास अंतिम कक्षा में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, जबकि आपके अर्धचालक होते हैं इनके पास होते हैं अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि ऑलरेडी इनके पास क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे बोलते हैं होल्स, तो यहाँ पर जो विद्युत धारा का चालन होता है होल्स के माध्यम से होता है, ये आपको ध्यान रखना है पी प्रकार के जो आपके जो अर्धचालक होते हैं उनमें, और ध्यान रखना है कि इस प्रकार के जो आपकी अशुद्धि होती है उसे ग्राही अशुद्धि कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं इनके पास तो पहले से ही कमी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपकी डोपिंग कहलाती है एन टाइप की और पी टाइप की। आगे बात करते हैं यहाँ पर, देखिए जो उपकरण होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, ओमिक और अनोमीय। अभी क्या चीज होती है, तो देखिए ऐसे विद्युत उपकरण जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओम का नियम आप जानते हैं V बराबर IR, यानी कि अगर कोई आपका कोई चालक है उसकी जो भौतिक परिस्थितियां हैं उनको बिना बदले अगर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है ना, तो ध्यान रखना है वो आपके विभवांतर के समानुपाती होती है, V समानुपाती आई या V बराबर IR, ये आपका ओम का नियम कहलाता है। तो वे सारे इंस्ट्रूमेंट जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें बोलते हैं ओमीय उपकरण, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें बोलते हैं अनओमीय उपकरण। तो देखिए ओम का जो आपका रूल है जिसको फॉलो करते हैं वो होते हैं, जैसे आपका कंडक्टर होते हैं, जैसे एल्युमिनियम है सिलिकॉन है, वो आपके सिलिकॉन नहीं एल्युमिनियम है चांदी है कॉपर है आपका लोहा है, ये सारे कहलाते हैं ओमिक उपकरण। और अनओमीय उपकरण के बारे में बात करें तो आपका डायोड है एम्पलीफायर है ट्रांसमीटर है, ये आपके क्या होते हैं ट्रांजिस्टर है, ये आपके क्या होते हैं अनओमीय उपकरण। तो आपको ध्यान रखना है, पूछ लेता है भाई ओमीय उपकरण क्या है और अनओमीय उपकरण क्या है, तो ये आपके ये चीज होते हैं। आगे हम बात करते हैं दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लेता है, डायोड और आपका एम्पलीफायर। देखो डायोड क्या होता है, डायोड आपकी क्या होती है, डायोड एक प्रकार का रेक्टिफायर डिवाइस होता है। अब देखिए रेक्टिफायर क्या होते हैं,
तो वे आपके उपकरण, वे डिवाइस जो आने वाली अल्टरनेट करंट को डीसी करंट में बदलते हैं, मतलब जो विद्युत प्रत्यावर्ती धारा आ रही है उसको दिष्ट धारा में बदलते हैं, ऐसे उपकरण को बोलते हैं आपका रेक्टिफायर। तो डायोड होता है एक प्रकार का रेक्टिफायर होता है। इसकी खोज आपके फ्लेमिंग ने की थी, किसी ने की थी, फ्लेमिंग ने। और ध्यान रखना है इसका यूजेस कहाँ किया जाता है, एलईडी के अंदर और आपके रेक्टिफायर के रूप में। एलईडी क्या होती है, लाइट इमिटिंग डायोड, ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। फुली इसकी जो फुल फॉर्म है यहाँ पर पूछ लेता है, भाई एलईडी फुल फॉर्म बताइए, तो लाइट इमिटिंग डायोड, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं एम्पलीफायर क्या होता है, यानी कि आपका प्रवर्धक क्या होता है। तो एम्पलीफायर जो होता है ना, वो आपका विद्युत संकेत होते हैं, इलेक्ट्रिक जो आपके सिग्नल होते हैं उनको बढ़ाने का काम करता है। एम्पलीफाई यानी कि बढ़ाने का काम करता है। विद्युत संकेत में आपका विभवांतर भी हो सकता है, विद्युत धारा भी हो सकती है, इसको बढ़ाने का काम आते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। एम्पलीफायर पहले आपने देखा होगा, जैसे लाइट कम आती है ना, कम वोल्टेज आते हैं, तो पहले इस्तेमाल किए जाते थे जब कम लाइट आती थी तो उसके वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। हालांकि आजकल हम घरों में तो उपयोग नहीं करते, लेकिन फिलहाल बहुत जगह उपयोग किया जाता है, यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा की जरूरत पड़ती है, तो वोल्टेज जब कम आते हैं तो उनको बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए गाइज अब बात करते हैं फिजिक्स के लास्ट बचे हुए कुछ टॉपिक्स के ऊपर। तो देखिए पहले बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, इनकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो देखिए इसकी जो शुरुआत की थी वो आपके हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगर आपसे पूछे कि भाई किसने इसकी खोज की थी प्रकाश विद्युत प्रभाव की, तो आपका हर्ट्ज था, उन्होंने इसकी खोज की थी। लेकिन बाद में 1905 में आपके जो आइंस्टीन थे, उन्होंने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी क्या थी, आपके व्याख्या तक की थी, एक्सप्लेनेशन किया था। इसलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो आइंस्टीन थे उनको नोबेल प्राइज भी मिला गया था। तो बताते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव ये कहता है, अगर वो आपकी धातु है, कोई मेटल है, अगर आप उसके ऊपर एक प्रकाश डालते हो, निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालते हो, तो उस जो आपकी धातु है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं, इसे बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। और आप जानते हैं जैसे आपका सिलिकन, जो आपका सोलर पैनल होता है उसमें क्या होता है, सिलिकन की प्लेट होती है, तो जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, जब उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरता है ना, एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश गिरता है, तो वो तक एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और इसी कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव में यही कहा गया कि जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश या उससे ऊपर आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु की सतह पर गिरता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इसे बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, इसकी खोज थी आपके हर्ट्ज ने की थी, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन किया था वो आपके आइंस्टीन ने किया था। आगे बात करते हैं दूसरा आपका द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। तो देखिए ये भी आपके अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कहा था कि भाई किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों अलग अलग नहीं है, एक मतलब इनमें रिलेशन बनाया जा सकता है, इसे बोलते हैं मास एनर्जी रिलेशन, और इसे ही सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। और यहां से निकाला गया था जो फॉर्मूला था E=mc2, ये आपको पता होना चाहिए। E बराबर होती है एनर्जी, m बराबर होता है मास, और c बराबर होता है प्रकाश का चाल, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं लास्ट में लेजर के ऊपर। तो लेजर आपने सुना होगा, लेजर लाइट आपने देखी होगी, ठीक है, जैसे मेलों में मिलती है, मार्केट में मिलती है, आपने जरूर देखा होगा, जिसकी मदद से पतली सी रेड लाल रंग की जो आपकी लाइट निकलती है, तो वो आपकी लेजर। तो लेजर का पूरा नाम क्या होता है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाई आपका स्टिमुलेटिंग एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसे बोलते हैं आपका लेजर, इसका पूरा नाम को ध्यान रखना है। थिएटर मैनन ने, वो थियोडोर मेनन ने इसकी क्या थी, आपके खोज की थी, थियोडोर मेनन थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। इसका यूज कहाँ किया जाता है, देखिए एक आपका सीडी डिस्क होते हैं, डीवीडी सीडी, उनको पढ़ने के लिए आपके लेजर का इस्तेमाल करते हैं। सर्जरी जो होती है, बहुत सारे आपके सर्जरी की जाती है, जैसे आपका पथरी है, पथरी के इलाज में आपकी लेजर लाइटिंग है, उसका उपयोग किया जाता है, लेजर उस पर गिराया जाता है, तो वहां पर क्या होता है, आपकी जो पथरी है वो ब्रेक हो जाती है, तो उसमें आपके इसका इस्तेमाल करते हैं। वेल्डिंग में भी आपको पता होगा, लेजर वेल्डिंग भी होती है, तो यहां पर लेजर लाइट की सहायता से वेल्डिंग की जा सकती है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपने देखिए पबजी गेम तो जरूर खेला होगा, तो पबजी में आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी गन होती है जिनके ऊपर आपने देखा होगा लेजर वाला अपने आप ही वो गन में जो होता है यहां पर डालना पड़ता है यहां से, तो वहां पर क्या होता है, जब आप किसी भी एनिमी के
पे फोकस करते हो तो आपको रेड डॉट दिखाई देता है कि भाई कहां पे इसका निशाना जाएगा। तो निशानेबाजी में आपके लेजर राइट का इस्तेमाल किया जाता है। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, MOS का फुल फॉर्म पूछा गया था पिछली भर्तियों में, तो MOS होती है मेटल ऑक्साइड और आपका सेमी कंडक्टर, यानी कि ऐसे सेमी कंडक्टर, ऐसे अर्धचालक जिनमें मेटल के ऑक्साइड यानी कि धातु के ऑक्साइड काम में लिए जाते हैं उन्हें बोलते हैं MOS। ये आपको ध्यान रखना है। सो गाइज, आज हमारी जो फिजिक्स है यहाँ पर मैंने मेरी तरफ से खत्म कर दी है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने लगाना चाहो रेलवे ग्रुप डी के लगा लीजिएगा, लगभग सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, कोई भी आपका क्वेश्चंस नहीं बचेगा। जितना मैंने यहाँ पर कोशिश की है आपका फिजिक्स में कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। और यहाँ पर केमिस्ट्री की नई शुरुआत, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हम यहाँ पर करेंगे कल से, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून कीजिए गाइस। और मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।